अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में जो सीमेंट के बारे में मैंने बनाई थी कि सीमेंट के रेट्स डाउन होने वाले हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जो रात को हमारे पास नई रेट लिस्ट आई है सीमेंट के बारे में, उसमें जो सीमेंट्स के रेट हैं वो डाउन हो चुके हैं। दोस्तों वीक के स्टार्ट में भी इसके रेट में कमी हुई थी और वीक के एंड में भी इसमें कमी हो चुकी है, तो इस तरह दो मरतबा जो है वो सीमेंट का रेट डाउन हो चुका है। तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आज कितना सीमेंट का रेट डाउन हुआ है और आने वाले दिनों के हिसाब से इसकी क्या सिचुएशन होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चले दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीमेंट के रेट डाउन होने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। सीमेंट का जो मौजूदा रेट है वो डाउन हो चुका है, जिसमें मैपल लीफ, पाइनियर, अस्क्री, पाक्सिम, बेस्ट वे और चराट और दूसरे ब्रांड्स भी शामिल हैं। दोस्तों इसकी कमी की वजह है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो, एक तो सीमेंट के जो रेट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अप थे, जो इसका मौजूदा रेट होना चाहिए था उसके हिसाब से तकरीबन 40 से 50 रुपये इसका रेट ज़्यादा है। इन दिनों में कभी भी इतना रेट इसका नहीं हुआ पिछले 4 से 5 सालों में, तो इस बार जो रेट था वो इसका सर्दियों में भी कम नहीं हुआ था, सर्दियों में भी तकरीबन इसका रेट 550 से 600 के दरमियान हमारे एरिया में रहा, जो कि 450 से 500 के दरमियान रहता था। दोस्तों इस तरह जब रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं तो इसकी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, सरिया का रेट भी काफ़ी ज़्यादा अप है, ईंट का रेट तो आपको पता ही था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, वो अब नीचे आ चुका है 2 से 3 हज़ार रुपये पर 1,000 ईंट के पीछे। तो इस तरह दोस्तों अब सीमेंट का रेट भी डाउन होना शुरू हो चुका है और एक ही वीक में दूसरी मरतबा इसके जो रेट्स हैं उसमें कमी वाकई हुई है। तो इस तरह दोस्तों ये जो अच्छे साइंस लग रहे हैं कि अब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसके रेट्स हो सकता है मजीद आने वाले दिनों में डाउन हो। और जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि लॉकडाउन भी हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगले 15 दिन जो है ये लॉकडाउन रहेगा, तो इस हवाले से भी जो है वो सीमेंट के रेट्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स डाउन हो सकते हैं, क्योंकि जब सेल कम हो जाएगी तो रेट्स ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। इसी तरह सरिया और ईंट का रेट भी डाउन हो सकता है अगर ये लॉकडाउन मजीद आगे जाता है। तो दोस्तों ये तो थी थोड़ा आने वाले दिनों के हवाले से कि इसका रेट कम होने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं आज के रेट की कि आज का मौजूदा रेट क्या है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने वीक के स्टार्ट में जो बनाई थी उसमें 605 रुपये रेट था, फिर 5 रुपये उसमें कमी वाकई हुई और इस तरह 600 रुपये पूरा रेट हो चुका था। अब इसमें मजीद जो है वो अब इसमें मजीद 4 से 5 रुपये तक कमी देखने में आई है। तो इस तरह दोस्तों 10 रुपये एक हफ्ते में एक बैग के पीछे जो है वो सीमेंट के रेट में कमी वाकई हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।